अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सावन जो है हम शिवजी से एसोसिएट करते हैं। अक्सर लोग जो है घरों में शिवलिंग रखते हैं। देखिए, घरों में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, घर में हमेशा शिव परिवार रखना चाहिए। शिवलिंग जो है वो मंदिर में होता है, तो ये ध्यान रखें, अगर आप शिवजी के उपासक हैं, शिवजी की पूजा करते हैं, तो आप जो है घर में शिव परिवार को रखें। सोमवार वाले दिन तो खास करके शिव जी की पूजा आराधना जरूर करें, पर अगर आप रोज कर सके सावन के महीने में तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी जो है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हम जल तत्व से रिलेट करते हैं, तो देखें कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां पे जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज या कोई भी लाल रंग की चीज या कोई भी फायर से रिलेटेड चीज जो है वो वहां पे ना रखें। मंदिर भी या शिव जी की जो फोटो है या जो मूर्ति है जो आप पूजा कर रहे हैं उसको भी जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। इससे जो है आपके घर में शांति रहेगी। मैंने परिवार का इसलिए कहा क्योंकि घर में क्या होता है, घर में परिवार होता है, हम चाहते हैं सारा परिवार एक साथ रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि हम शिव परिवार की पूजा और आराधना करें। ऐसा करिए और देखिए आपके आपस में परिवार वालों में प्यार जो है वो बना रहेगा। शिव परिवार में देखिए शिव, पार्वती, गणेश जी, उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय और नंदी। नंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जब भी किसी शिव मंदिर में भी जाएंगे तो नंदी द्वार पे होते ही है, तो ये पांचों जने जो होते हैं ये मिलके जो है शिव परिवार बनाते हैं। तो आप चाहे तो स्टैचू के फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में जो है शिव परिवार की आराधना जरूर करें। और जैसा कि कहा जाता है भोलेनाथ, शिव जी जो है भोले हैं वो जो है सबसे जल्दी आपकी प्रेयर्स जो है वो सुन लेते हैं, तो इसलिए शिव जी की परिवार, शिव जी की पूजा आराधना जो है वो जरूर से करें।